हे गाइस, वेलकम टू लेसन नंबर 8। इस लेसन में आप सीखोगे कि कैसे आप फेसबुक पेज बना सकते हो, कैसे आप अपना एड अकाउंट बना सकते हो, कैसे आप पेमेंट मेथड्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीजें आप सीखने वाले हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आप देख सकते हो कि मैंने एकदम नया फेसबुक प्रोफाइल बनाया है ताकि हम एक साथ चल सकें। इस पर्टिकुलर फेसबुक प्रोफाइल में कोई फेसबुक पेज नहीं है, कोई भी एड अकाउंट नहीं है, नथिंग नथिंग एट ऑल। ठीक है, तो हम एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि हम बनाएंगे फेसबुक पेज। ठीक है, देखो फेसबुक पेज बनाना बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा सिंपल है। आपको एक प्रोफाइल पिक्चर चाहिए, एक कवर फोटो चाहिए, और आपके पास एक नाम होना चाहिए जो आप रखना चाहते हो, और आप फेसबुक पेज बना सकते हो। ठीक है, तो सिंपल कहाँ जाओगे, मैं यहाँ प्रोफाइल में हूँ, आप देख सकते हो क्रिएट का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ क्रिएट पे गया। देखो ऑप्शन आ रहा है पेज का, तो इसे हम करते हैं क्रिएट। देखो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या पहला बिजनेस या ब्रांड, या दूसरा कम्युनिटी या पब्लिक फिगर। आपका पेज किसके बारे में है, तो अगर आपका कोई बिजनेस है तो आप ये सेलेक्ट करो और अपनी डिटेल यहाँ पे लिखो और नीचे कर दो कंटिन्यू। ठीक है, अगर आप कोई कम्युनिटी बना रहे हो या आप कोई पब्लिक फिगर हो तो आप कम्युनिटी या पब्लिक फिगर सेलेक्ट कर सकते हो, अपनी डिटेल सेट करो और पेज बना सकते हो। ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं कि हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं, और हम कम्युनिटी बनाते हैं डिजिटल मार्केटिंग। ओके, मार्केटिंग किस पर नहीं बोलता, बताओ, डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी, और इसको दे देते हैं DMC। ठीक है जी, और कैटेगरी में ले लेते हैं हम एजुकेशन, और ये कर देते हैं हम कंटिन्यू। अब ये हमसे प्रोफाइल पिक्चर पूछेगा और कवर फोटो मांगेगा। ठीक है, तो देखो इसने हमसे मांगा प्रोफाइल पिक्चर, तो हमारे पास अगर हो तो हम अभी लगा सकते हैं, नहीं तो हम बाद में भी लगा सकते हैं। तो एक बार इसको हम स्किप कर देते हैं। अगेन सेम चीज मांगेगा, कवर फोटो आपके पास है, आप लगा सकते हो, नहीं तो बाद में भी लगा सकते हो। मैं इसे भी स्किप कर देता हूं। देखो जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस, हमारा फेसबुक पेज बन गया। यहाँ पे आप की प्रोफाइल पिक्चर है और यहाँ पे कवर फोटो। ठीक है, तो अभी मेरे पास मैंने एक इमेज डाउनलोड की है, तो मैं उसको एज अ प्रोफाइल पिक्चर सेट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, सॉरी, इसे क्लिक करते हैं। यहाँ पे ऑप्शन देखिए, अपडेट अपडेट क्लिक करिए, आ रहा है अपलोड फोटो, अपलोड फोटो क्लिक करिए, और ये मैंने एक फोटो सेव की है, डाउनलोड किया इंटरनेट से, अजीब सी है बट क्या करें। स्किप क्रॉपिंग कर देते हैं और सेव कर देते हैं। सेव हो गई, एक बार रिफ्रेश हो जान दो। ये लो जी, रिफ्रेश हो गया। अभी हमसे कह रहे हैं कवर फोटो लगाने के लिए, तो सेम कवर फोटो ऑप्शन आ रहे हैं, एक ऑप्शन है अपलोड फोटो, तो अपलोड फोटो क्लिक करो और उसी फोटो को चूज कर लेते हैं। ठीक है, और इसे कर दो जी, और इसे रिफ्रेश कर लो। एक बार आप कवर फोटो का साइज चेक कर लेना, आई बिलीव 850 या 815x315 ऐसे करके होता है, 850x315 होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक बार आप कंफर्म कर लेना। ठीक है, तो हमने ये बना दिया फेसबुक पेज, और आपका ये यूआरएल है आप देख सकते हो। सो ये देखो एक ऑप्शन दे रहा है क्रिएट अ पेज यूजर नेम, तो इसको क्लिक करो। और अभी आप देखो अभी हमारा यूजर नेम कैसा है, पेज कैसा है, facebook.com/digitalmarketingcommunitydmc, ये अजीब सा ना। तो हम यहाँ पे क्लिक करते हैं क्रिएट अ यूजर नेम, और इसका मैं नाम लिख देता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी। देखो अवेलेबल नहीं है, तो डीएम कम्युनिटी, डीएम कॉम ये भी नहीं अवेलेबल, तो डीएम कम्युनिटी पूरा लिख के देखते हैं, डीएम कम्युनिटी ये अवेलेबल है। अभी देखो ये कह रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल टू क्रिएट अ यूजर नेम, है ना। तो जब मेरे आई बिलीव 100 वो हो जाएंगे तब जाके मैं यूजर नेम क्रिएट कर सकता हूं। ओके, अभी मैं एलिजिबल नहीं हूं यूजर नेम के लिए। आई बिलीव 100 लाइक्स चाहिए होते हैं, कभी कभी ऐसे भी क्रिएट हो जाता है, फ्रेश पेज पे भी क्रिएट हो जाता है, और बट अभी नहीं हो रहा। तो शायद जब 100 लाइक्स हो जाएंगे मेरे तब मैं क्रिएट कर सकता हूँ। एक बार दोबारा करके देखते हैं, ADMC, राइट, अभी नहीं हो रहा, तो जब शायद 100 लाइक्स हो जाएंगे मेरे तब मैं, 100 या 50 होता है नंबर, तब मैं जाके ये यूजर नेम क्रिएट कर सकता हूँ। डोंट वरी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अभी हमने क्रिएट किया है पेज, ठीक है, अब हम क्रिएट करेंगे एड अकाउंट। अब आप ध्यान से देखना, पहली चीज तो आप ये जान लो कि कोई भी फेसबुक एड रन करने के लिए आपके पास पेज होना बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास पेज नहीं है तो आप ऐड रन नहीं कर सकते। बस पेज का आजकल इतना ही काम है, फेसबुक पे ऑर्गेनिक रीच इज ऑलमोस्ट डेड, पेजेस की रीच आती नहीं है। तो ऑर्गेनिकली कुछ करना फेसबुक के थ्रू
इस टाइम बहुत ही मुश्किल है। यूट्यूब पे हो सकता है, बाकी कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टा पे हो सकता है, बट फेसबुक टू बी वेरी स्पेसिफिक, ऑर्गेनिक इज ऑलमोस्ट डेड ऑन फेसबुक। आप बड़े बड़े पेजेस को जाके एनालाइज करना, ऑर्गेनिक इज ऑलमोस्ट डेड। तो काम आपको पेड से ही करना पड़ेगा एज फार एज फेसबुक इज कंसर्न। तो हमने फेसबुक पेज बना लिया, अब हमें बनाना है फेसबुक एड अकाउंट। अब ध्यान से देखो, एड अकाउंट बनाने के, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, अगर आपने ध्यान से देखी हो वीडियो, तो दो तरीके हैं एड अकाउंट बनाने के। तरीका नंबर वन, आप पर्सनल एड अकाउंट बना सकते हो। तरीका नंबर टू, आप बनाओ एड अकाउंट थ्रू बिजनेस मैनेजर। ठीक है जी, तो सबसे पहले हम क्या सीखेंगे, पर्सनल एड अकाउंट बनाना, देन हम सीखेंगे थ्रू बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाना। ठीक है, तो अभी हम सीख रहे हैं पर्सनल एड अकाउंट बनाना। अगेन देखो, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्रिएट पे जाना है और सीधे करना है क्लिक एड। ठीक है जी, क्या किया मैंने, मैं गया क्रिएट पे और मैंने क्लिक किया एड। बहुत ही ज्यादा आसान। अब मैं यहां पे आ गया, अब देखो ये सीधे कह रहा है मैं एड अकाउंट पे आ गया, है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, देखो कह रहा है सेटअप एड अकाउंट, क्लिक करो, इंडिया एशिया कोलकाता आ गया, शो एडवांस्ड ऑप्शन। एड अकाउंट का नाम आप जो भी लिखना चाहते हो लिख लो, तो मैं लिख देता हूं इसको 100 डेज फेसबुक एड्स पोस्ट, और इसे मैं कर देता हूं कंटिन्यू। ठीक है, देखो अब ये सिंपल बस बन गया एड अकाउंट, कुछ नहीं करना, राइट। बट अगर आपको इसे यूज करना है तो आपको इसमें क्या ऐड करनी पड़ेगी, पेमेंट मेथड। ठीक है, पेमेंट मेथड, पेमेंट मेथड ऐड करने के लिए कहां जाना है, एड्स मैनेजर, और देखो यहां पे ऑप्शन आएगा कहीं बिलिंग का, आ रहा है कॉमर्स मैनेजर, एक सेकंड, ये रहा, सॉरी सबसे ऊपर ही था बिलिंग। ठीक है, बिलिंग पे जाओ और लीव दिस पेज करो, और यहां पे आपको ऐड करनी पड़ेगी अपनी बिलिंग। देखो आ रहा है ऑप्शन पेमेंट सेटिंग्स, तो आप इधर जाओ पेमेंट सेटिंग्स पे। ओके, ये कुछ पॉलिसी आई है फेसबुक की, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, कह रहा है कि अगर इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका एड अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अभी तो एड अकाउंट क्रिएट किया था, अभी ये ब्लॉक भी करने लगा, तो इसका पॉलिसी रिव्यू कर लो और इसे एक्सेप्ट कर लो। और एक क्लास, एक लेसन मैं बनाऊंगा फेसबुक पॉलिसीज के ऊपर, की कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, सो ताकि आप वो पॉलिसीज वायलेट ना करो। ओके, खुल जाए भाई। ओके, फॉर सम रीजन ये खुल नहीं रहा अभी, छोड़ो। तो मैं जाता हूं इधर पेमेंट सेटिंग्स पे, और एड पेमेंट मेथड आ रहा है, एड पेमेंट मेथड करो। अब देखो ये पूछ रहा है मेरे से जीएसटी नंबर, पैन नंबर, नाम और सारी डिटेल। अब एक चीज ध्यान रखो, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप यहां डाल दो, अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप बिना जीएसटी नंबर के भी एड रन कर सकते हो। बट जैसे कि मैंने आपको लास्ट लेसन में बताया था कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आप इनपुट ले सकते हो जो भी आपका टैक्स होगा, और इनपुट क्या होता है मैंने आपको लास्ट लेसन में समझाया था। अगर आपको डाउट है तो आप जाके ईमेल चेक करो लास्ट वाली मेरी, और वो वीडियो देख लो। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं कि मेरे पास जीएसटी नहीं है और मैं इसे सिंपल कर देता हूँ कॉन्टिन्यू। स्टेट में मैं ले लेता हूँ, क्योंकि मैं अभी दिल्ली में हूं, तो मैं ले लेता हूं दिल्ली, और इसे मैं कर देता हूं कंटिन्यू। अब देखो यहां पे तीन पेमेंट ऑप्शन आ रहे हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, अगला है नेट बैंकिंग, और अगला है पेटीएम। ठीक है, ये तीन पेमेंट मेथड हैं, और इन तीनों पेमेंट मेथड से मैं अपने एड अकाउंट में पैसे ऐड कर सकता हूं। अब ध्यान से देखते रहो, ये मैं कौन सा एड अकाउंट बना रहा हूं, पर्सनल एड अकाउंट, और इस पर्सनल एड अकाउंट में मेरे पास तीन मेथड हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम। और सपोज मुझे पेटीएम से करना है तो क्लिक किया कंटिन्यू, और कंटिन्यू, और अपने जो भी पेमेंट है आप यहां ऐड करके, से मुझे 100 रुपए ऐड करने हैं तो 100 रुपए, रिव्यू पेमेंट, मेक पेमेंट, और आप अपने पेटीएम में लॉग इन करके यहां से पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही सिंपल, हम इसको वापस चले जाते हैं। तो ये तो सिंपल था पर्सनल एड अकाउंट बनाना, जो कि आप बहुत ही इजीली किसी को भी बना सकते हो। प्लस आप देखो इस एड अकाउंट में एक मैं एडेड हूं, है ना। अगर आप इसमें और लोगों को ऐड करना चाहते हो तो आपको देखो सिंपल काम क्या करना है, यहीं पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है एड पीपल।
ठीक है, मैं दोबारा दिखा देता हूँ कैसे जाओगे। ये रहा ऐड अकाउंट, ठीक है, और ऐड अकाउंट में जाओ और इधर देखो सेटिंग्स का ऑप्शन है, ऐड अकाउंट सेटिंग्स, ऐड अकाउंट सेटिंग्स में जाओ। ये मैं आ गया ऐड अकाउंट सेटिंग्स, और यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड पीपल, तो ये करो ऐड पीपल, और आप जिसको भी ऐड करना चाहते हो उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपको यहां से ऐड करना है किसी को तो ये जरूरी है कि पहले वो पर्सन एज अ फ्रेंड एडेड हो, एज अ फ्रेंड। तो आपको जिसको भी यहाँ ऐड करना है आप उसे पहले एज अ फ्रेंड अपने फेसबुक लिस्ट में जोड़ो, देन आप उसका यहाँ पे नाम लिखो और देन आप उसे यहाँ से एक्सेस दे सकते हो। अगर आप ऐड अकाउंट एडमिन दोगे तो इस ऐड अकाउंट के सारे एक्सेस इस बंदे के पास चले जाएंगे। ऐड अकाउंट एडवर्टाइजर दोगे तो ये बस ऐड रन कर सकते हैं। ऐड अकाउंट एनालिस्ट दोगे तो ये बस एड्स को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, आप यहां से एक्सेस दे सकते हो, बहुत ही आसान। तो अभी आपने देखा पर्सनल ऐड अकाउंट कितना सिंपल है। अब हम देखते हैं कि आप बिजनेस मैनेजर के थ्रू कैसे काम कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम चलते हैं बिजनेस मैनेजर में। जाने के लिए आपको क्या करना है, business.facebook.com आपको खोलना है। ठीक है, आपको खोलना है business.facebook.com। अब बिजनेस मैनेजर और पर्सनल एड अकाउंट में देखो फायदा डिफरेंस क्या है कि अगर आपके पास बिजनेस मैनेजर है तो एक बिजनेस मैनेजर से आप मल्टीपल पेजेस, मल्टीपल एड अकाउंट्स मैनेज कर सकते हो। आपको अलग अलग पेजेस अलग अलग जगह से मैनेज करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही जगह से सारे पेजेस मैनेज कर सकते हो, सारे एड अकाउंट मैनेज कर सकते हो, मल्टीपल लोगों को एक्सेस दे सकते हो अपने मैनेजर का, अपने पेजेस का, अपने एड अकाउंट का। ठीक है, तो सारा काम करना आपके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं कि बिजनेस मैनेजर के थ्रू आप कैसे अकाउंट बना सकते हो। तो मैं करता हूं बिजनेस मैनेजर पे आने के लिए मैं आया कहाँ, business.facebook.com, और अब मैं करता हूं क्रिएट अकाउंट। ठीक है, तो अब आपने देख लिया है फेसबुक पेज बनाना, देन आपने देख लिया है पर्सनल एड अकाउंट बनाना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो को वापस से देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं नाम लिख देता हूं 100 days फेसबुक एड्स कोर्स बाय दीपक, और मेरा नाम आयरा है, और मैंने नई एक ईमेल आईडी बनाई है, उस ईमेल आईडी का मैं नाम लिख देता हूँ, और ये ईमेल आईडी है FB Ads by Deepak, FB Ads, क्या ईमेल आईडी बनाई थी मैंने, मैंने कहाँ गया, ये रहा ना, FBAdsByDeepak@gmail.com। तो ये करते हैं FBAdsByDeepak@gmail.com, और मैं करता हूँ नेक्स्ट। ठीक है जी, तो यहां से किया नेक्स्ट, एक सेकेंड, ओके, देन द नेम यू हैव चूजन इज नॉट वैलिड, नाम वैलिड नहीं बता रहा। ठीक है, तो मैं लिख कर देता हूँ 100 days कोर्स। ठीक है, आप देखते हैं हो गया, नाम आ गया। अब आपसे डिटेल पूछ रहा है तो ये डिटेल आप यहाँ पे लिख दो, ये पे मैं लिख देता हूँ इंडिया, और एड्रेस मैं लिख देता हूँ जो मेरे ऑफिस का एड्रेस है। बाय द वे, अगर आप में से कोई हमसे मिलने आना चाहता है, दिस इज आवर ऑफिस एड्रेस, आप आ सकते हो, 4A/14 तिलक नगर, और ये है नियर जनता एक्सरे, इट्स अ 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम तिलक नगर मेट्रो स्टेशन। ठीक है जी, और ये कर देते हैं, लिख दो कुछ भी, इंडिया, पोस्टल कोड है हमारा 1100018, और बिजनेस फोन नंबर क्या है हमारा, हमारा बिजनेस फोन नंबर है, मुझे याद नहीं है, ये रहा मेरा फोन नंबर, तो 8076880768 749588 749588। ठीक है जी, और वेबसाइट तो पता ही है, यहाँ पे मैं अपनी पर्सनल वेबसाइट डाल देता हूँ, deepaksingmarketing.com। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल, एड्रेस वगैरह की डिटेल डाली, एंड ये दो ऑप्शन दे रहा है कि किस लिए आप ये बिजनेस मैनेजर का यूज करोगे, अपने बिजनेस के लिए, दूसरों के लिए, और तो मैं कर देता हूं अपने बिजनेस के लिए, और मैं कर देता हूं सबमिट।
हैज बीन क्रिएटेड। अब इसको करते हैं डन। अब यहां जाके देखो कि क्या कोई मेल भेजी है क्या इन लोगों ने, भेजी है। कंफर्म योर बिजनेस ईमेल एड्रेस, यहां से कर दो इसको कंफर्म। ठीक है, अब ये हो गया कंफर्म। ठीक है, अब मेरा बिजनेस एड्रेस हो गया कंफर्म। अब यहां पे जाओगे तो देखो ये भी आ गया है ना, कंफर्म हो गया। अब मैं देखो क्या कर सकता हूं, अब मैं चाहूं तो यहां पे अब क्या करूंगा, मैं यहां पे अपने पेजेस को ऐड कर सकता हूं। देखो ऑप्शन आ रहा है ऐड अ पेज, ऐड एन अकाउंट, साथ ही मैं यहां पे और लोगों को ऐड कर सकता हूं जो मेरे साथ इस बिजनेस मैनेजर पे काम कर सके, जो मेरे ऐड अकाउंट रन कर सके। ठीक है, अब देखो आप जब भी किसी क्लाइंट के लिए काम करो है ना, तो ये जरूरी है कि आप अपना अकाउंट नहीं बनाओ, अपना क्रेडिट कार्ड मत यूज करो। इट इज रेकमेंडेड कि आप उस क्लाइंट से कहो कि भैया अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाओ, आप उन्हें गाइड कर देना, अब तो कर ही सकते हो, और उनसे बोलो कि आप हमें एक्सेस दे दो अपने बिजनेस मैनेजर अकाउंट, है ना, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, तो अब हमें चाहिए पेज, ऐड अकाउंट और लोग। ठीक है, तीन चीज ऐड करनी है, तो सबसे पहले आ रहा है ऐड अ पेज। ठीक है, अब देखो ऐड अ पेज, यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो आप अपना पेज ऑलरेडी जो है उसे ऐड कर लो, या आप नया पेज क्या कर लो, क्रिएट कर लो। ठीक है, तो अगर मेरे को ऐड करना है तो मैं करूंगा ऐड पेज, और देन ये पूछ रहा है आपके फेसबुक पेज का यूआरएल, तो आप वापस जाओ, ये रहा मेरा फेसबुक पेज, इसका मैंने यूआरएल किया कॉपी, और यहाँ पे मैंने किया पेस्ट, और इसमें से ये मॉडल वॉडल जो है ये हटा दो आप। अब करो सर्च, येरा डिजिटल मार्केटिंग कम्युनिटी और एड पेज और क्लोज, और इसे कर दो रिफ्रेश। ठीक है, तो जो मेरा एग्जिस्टिंग पेज है उसे ही मैंने यहां पे कर लिया एड। ठीक है, अब सेम चीज आई क्या एड अकाउंट, कि क्या आपको एड अकाउंट इसमें ऑलरेडी जो बना हुआ है उसे ऐड करना है, या आप नया ऐड अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, तो आप जो एग्जिस्टिंग है उसे भी ऐड कर सकते हो या नया क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको एग्जिस्टिंग ऐड करना है तो क्या करोगे, सिंपल यहां क्लिक करो ऐड ऐड अकाउंट, और आपसे पूछ रहा है ऐड अकाउंट आईडी, है ना, तो ऐड अकाउंट आईडी कौन सी होती है, तो आप वापस यहां पे जाओ क्रिएट पे, और अच्छा अब देखो एक बार आप जब एड्स रन करने लगोगे ना और आप यहां क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आ जाएगा मैनेज एड्स, इधर ऑप्शन आएगा मैनेज एड्स, अभी मैनेज एड्स आ नहीं रहा क्योंकि आपने अभी एड अकाउंट से एक भी एड रन नहीं की। ठीक है, तो मैं क्रिएट पे जाता हूं और इसको मैं करता हूं एड, और आप देख सकते हो ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना टू डबल, ये एक्सेप्ट कर लेते हैं, डन। ठीक है, ये जो लिखा है ना 211, ये देखो ठीक है 211506 17, ये एड अकाउंट है मेरा, एड अकाउंट आईडी, ये ऊपर से भी मैं ले सकता हूँ, है ना, तो यहां से मैंने इसे किया कॉपी, और मैं वापस यहाँ आया और इस एड अकाउंट को यहाँ किया पेस्ट, और ये कर दिया एड अकाउंट एज अ स्टोर्ड बैलेंस प्रीपे। देखो ये प्रीपे अकाउंट है ना, मतलब इस अकाउंट में ऑलरेडी बैलेंस नहीं है इसलिए ये एड अकाउंट में यहाँ पे एड नहीं कर पा रहा। देखो एड अकाउंट अगेन दो टाइप से काम करते हैं, प्रीपेड क्या होता है जिसमें आप पहले पैसे देने पड़ते हैं आपको एड अकाउंट एड रन करने के लिए, ठीक है, दूसरा क्या होता है जहां पे आप अपना क्रेडिट कार्ड लगा दो और फेसबुक अपने आप ऑटो चार्ज कर सकता है। तो जैसा कि आपको याद होगा जो ये एड अकाउंट था इसपे मैंने कोई क्रेडिट कार्ड लगाया नहीं था, नहीं लगाया था ना, इसलिए वो एड अकाउंट मैं यहाँ पे एड कर नहीं पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा इसे करूंगा क्लोज, और मैं कर लूंगा यहां से क्रिएट एड अकाउंट, नया एड अकाउंट क्रिएट कर लूंगा। तो मैंने किया क्रिएट एड अकाउंट, और इस एड अकाउंट का मैं नाम लिख देता हूं 100 डेज कोर्स बाय दीपक, और जीएमटी मैं कर देता हूं इंडिया, जीएमटी 530 ले लेते हैं जो एशिया का होता है कोलकाता का। ठीक है, और करेंसी को मेक इट INR, और इसे कर दो नेक्स्ट, और दिस अकाउंट विल बी यूज्ड फॉर माय बिजनेस और क्रिएट, आपको क्लाइंट के लिए यूज करना है तो क्लाइंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये ऑप्शन आ गया। अब देखो इस ऑप्शन, इस एड अकाउंट का एडमिन कौन हूं, मैं ही हूं, तो मैं यहाँ पे अपना नाम सेलेक्ट करूंगा और मैं यहाँ पे अपने आप को सारे दे दूंगा एक्सेसेस। ठीक है, मैंने सारे एक्सेस दे दिए, और देन मैंने यहाँ पे किया क्रिएट, और मैंने यहाँ पे किया क्लोज, और इसे मैंने किया रिफ्रेश। ठीक है, तो अब मेरे पास फेसबुक पेज हो गया, और अब मेरे पास
एड अकाउंट भी हो गया, पर्सनल भी हो गया और बिजनेस मैनेजर वाला भी हो गया, ठीक है। अब आप देखो, अब सपोज करो आपको किसी पर्सन को यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। सपोज करो आपको किसी को ऐड करना है ताकि अब वो एड अकाउंट क्या कर सके, मैनेज। तो आपको करना क्या है, आपको जाना है बिजनेस सेटिंग्स पे, ठीक है। क्लिक करो बिजनेस सेटिंग्स और यहां पे देखो आ रहा है पीपल करके आ रहा है, तो यहां पे क्लिक करो ऐड, और आप जिसे भी ऐड करना चाहते हो उसका आप यहां पे लिख दो ईमेल एड्रेस, ठीक है। तो सपोज मैं अपने आप को ऐड करना चाहता हूं दीपक एट द रेट, मेरा मतलब मेरा दूसरा ईमेल आईडी। ये पूछ रहा है आप एक्सेस कौन सा देना चाहते हो, एम्प्लॉई एक्सेस या एडमिन एक्सेस, ठीक है। प्लस इसे करोगे तो और ऑप्शन आ जाएगा, फाइनेंशियल एनालिस्ट भी बना सकते हो, फाइनेंस एडिटर भी बना सकते हो, ठीक है। अगर आप किसी को एम्प्लॉई एक्सेस दोगे तो वो एड्स वगैरह सारे रन कर सकता है, अगर फाइनेंस एनालिस्ट एक्सेस दोगे तो बस वो कार्ड वगैरह की डिटेल वगैरह देख सकता है, ट्रांजेक्शन इनवॉइसेस देख सकता है। फाइनेंशियल एडिटर दोगे अगर किसी को एक्सेस तो वो आपके क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन वगैरह चेंज कर सकता है, ठीक है। तो हम बाय डिफॉल्ट यहाँ पे एम्प्लॉई एक्सेस दिया हुआ है फेसबुक ने, हम करते हैं नेक्स्ट। अब देन वो पूछ रहा है किस पेज का एक्सेस देना है ना, तो मेरे पास जो ये पेज है मैं इस पेज का भी एक्सेस दे देता हूँ, ठीक है। प्लस मेरे से पूछ रहा है किस एड अकाउंट को देना है एक्सेस, तो ये एड अकाउंट क्लिक करता हूँ और ये एड अकाउंट जो है इसका मैं एक्सेस दे देता हूँ। अब कर क्या रहा हूं मैं, deepak@thinkandthrive.in जो ईमेल आईडी है जो भी उसे रन करता है, इस केस में तो मैं ही रन करता हूं, तो उसको मैं पेजेस का भी एक्सेस दे रहा हूं, एड अकाउंट का भी एक्सेस दे रहा हूं। अगर कोई मेरे पास कैटेलॉग होता तो मैं उस कैटेलॉग का भी एक्सेस देता, बट कैटेलॉग है नहीं मेरे पास, ठीक है। तो एड अकाउंट का भी एक्सेस दे रहा हूं, और जैसे पेजेस में आप गए तो पूछेगा कि पेजेस में क्या क्या चीज का एक्सेस चाहिए, पब्लिश कॉन्टेंट। अगर आप किसी को पब्लिश कॉन्टेंट का एक्सेस दोगे तो बस कॉन्टेंट पब्लिश कर सकता है, सेम मॉडरेट कमेंट कॉमेंट्स मॉडरेट कर सकता है, किसी अप्रूव करना नहीं करना। क्रिएट एड्स, एड्स क्रिएट कर सकता है, तो मैं देना चाहता हूं एड क्रिएट करने का एक्सेस, ठीक है। प्लस मैनेज जॉब्स, अगर आप जॉब वॉब पोस्ट करते हो फेसबुक पे तो वो देख सकता है। व्यू अर्निंग इनसाइट्स, आपके पेज के थ्रू कितनी अर्निंग हुई वो देख सकता है, ठीक है। तो सपोज मैं बस एक्सेस देना चाहता हूँ क्रिएट एड्स का, और एड अकाउंट में मैं देना चाहता हूँ एक्सेस मैनेज कैंपेन का, और मैं कर देता हूँ इनवाइट, और मैं कर देता हूँ डन, ठीक है जी। अब ये मेरे पास एक्सेस आ गया होगा, जैसे ही मैं उसे अप्रूव करूंगा तो यहाँ पे मेरा पेंडिंग की जगह अप्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप किसी भी क्लाइंट के लिए काम करो तो आप बोलो भैया अपना बिजनेस मैनेजर बनाओ, और देन आप उन्हें बोलो कि आप पीपल सेक्शन में जाओ, एड पे जाओ, और जो भी आपका ईमेल एड्रेस है आप अपना ईमेल एड्रेस उन्हें दे दो और उनसे एक्सेस ले लो, सेम वैसे ही जैसे मैंने अभी अपनी दूसरे ईमेल आईडी को एक्सेस दिया, ठीक है, एकदम ही सिंपल। अब देखो यहाँ पे जो मेरा एड अकाउंट था वो था 100 डेज एड्स कोर्स बाय दीपक। अब इस एड अकाउंट को क्लिक करो, सॉरी ये लॉग आउट कैसे हो गया, ओके तो वापस चले जाते हैं, ओके वियर्ड, चलो कोई नहीं दोबारा ऐड कर लेते हैं। यही था शायद, ओके ईमेल ही भूल गया, यहां से देख लेते हैं FB ads by दीपक था, इसे लॉग इन करते हैं। ओके सस्पिशियस एक्टिविटी लग रही है फेसबुक को, क्या लिखा है CBD शायद यही है, ओके एंटर मोबाइल नंबर 8076874958 सेंड कोड, ओके जस्ट गिव मी अ मोमेंट, मैं एक कोड लाके एंटर कर दूं, कोड आया होगा आरिफ के फोन पे ना, कोड आया होगा, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, लेट मी गेट द कोड, मैं इसे हेड अकाउंट पर एक्टिवेट कर दूं, ओके। तो ऐसा होता है जब भी आप एड्स बनाओगे नए, राइट, ये नया एड अकाउंट था, मैंने नए एड अकाउंट में बिजनेस मैनेजर वगैरह सब एक साथ बना लिया ना, कार्ड वार्ड सब मैं देख रहा हूँ, दैट्स व्हाई फेसबुक को लगा होगा कि भाई
कुछ गड़बड़ चल रहा है। सो मैं कार्ड एंड डिटेल एंटर करता हूँ। फोर एट ओके, अब देखते हैं। चल गया राइट। सो चल गया जी, ठीक है। ऐसे फेसबुक परेशान करता है। ओके सो हम वापस आते हैं, एक बार इसको रिफ्रेश करता हूँ, ऐड इस पेज को। ओके रिफ्रेश हो गया। अब देखो, अब आप इस ऐड अकाउंट में जाओ और अब आप इधर जाओ और अब बिलिंग पे जाओ, ठीक है। पेमेंट ऐड करने के लिए आपको कहाँ जाना है? बिलिंग पे, ठीक है। तो हम जाते हैं बिलिंग पे और आप करो यहाँ पे पेमेंट सेटिंग्स और आप करो ऐड पेमेंट मेथड और अगेन वो सारी चीजें फिर मांगेगा जो एक बार हमने पहले डाली थी। तो इसे डाली, इसे करते हैं कंटिन्यू। अब देखो यहां पे मेरे से ये क्या मांग रहा है, खाली डेबिट या क्रेडिट कार्ड, ठीक है। यहां पे ये मेरे से मांग रहा है डेबिट या क्रेडिट कार्ड, पेटीएम एज अ पेमेंट ऑप्शन यहां पे अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये कब हो रहा है? जब मैं उस एड अकाउंट में पैसे ऐड, मतलब वो जो मैंने एड अकाउंट बनाया था बिजनेस मैनेजर के अंदर, उसका जब मैं पेमेंट मेथड ऐड कर रहा हूं तो मेरे पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड है, पेटीएम एज अ पेमेंट ऑप्शन नहीं है। जबकि जब मैं पर्सनल एड अकाउंट बना रहा था तो मेरे पास डेबिट, क्रेडिट कार्ड, पेटीएम, नेट बैंकिंग, ये सारे ऑप्शन थे, ठीक है। तो इसे आप करो क्लोज। अब एक और चीज देखो, वापस आप बिजनेस मैनेजर पे जाओ। ये बिजनेस मैनेजर है, ठीक है। यहां पे मैं गया और यहां पे देखो आ रहा है ऑप्शन पेमेंट्स का, आप यहां पे भी पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो। तो मैं अगर यहां पेमेंट मेथड ऐड करता हूं, इसको रिफ्रेश करते हैं और मैं यहां पे करता हूं ऐड। अब देखो यहां पे क्या ऑप्शन आ रहा है मेरे पास, जस्ट क्रेडिट कार्ड, जस्ट क्रेडिट कार्ड। तो आपने तीन चीजें देख ली। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि जब आप बिजनेस मैनेजर में पेमेंट मेथड ऐड करोगे तो डेबिट कार्ड नहीं आता मोस्ट ऑफ द टाइम्स, यहां पे डेबिट कार्ड नहीं आ रहा, ठीक है। तो तीन ऑप्शन है। पहला, जब आप पर्सनल एड अकाउंट बनाओगे तो डेबिट, क्रेडिट, इंटरनेट और आप पेटीएम वगैरह सब यूज कर सकते हो। जब आपने बिजनेस मैनेजर बनाया और उस बिजनेस मैनेजर के अंदर आपने एड अकाउंट बनाया और आप उस एड अकाउंट में जाके पेमेंट मेथड ऐड कर रहे हो तो बस डेबिट या क्रेडिट कार्ड आएगा। अगर आप बिजनेस मैनेजर के अंदर पेमेंट मेथड ऐड कर रहे हो तो जस्ट क्रेडिट कार्ड आएगा, ठीक है। तो अब आप देखो, अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप सीधे यहां बिजनेस मैनेजर में जाके पेमेंट मेथड ऐड कर लो। अगर आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप उस एड अकाउंट में जाके पेमेंट मेथड ऐड कर लो। अगर आपके पास ना डेबिट कार्ड है ना क्रेडिट कार्ड है, आप पेटीएम का यूज करना चाहते हो, फिर आपके पास बस एक ही ऑप्शन है, आप पर्सनल एड अकाउंट यूज करो, ठीक है जी। पर्सनल एड अकाउंट यूज करो, बहुत ही सिंपल, ठीक है। तो मैं सम अप कर देता हूं, आज हमने क्या क्या किया। तो सबसे पहले हमने एक फेसबुक पेज बनाया, बहुत ही आसान कम्युनिटी पेज बनाया हमने और कवर फोटो प्रोफाइल हमने ऐड किया। देन हमने बनाया एड अकाउंट, पहले हमने बनाया पर्सनल एड अकाउंट और जो हमने सिंपल सेटअप किया और हमने देखा कि जीएसटी हो तो आप डाल सकते हो और नहीं है तो आप मत डालो, बट रिकमेंडेड है कि आपके पास जीएसटी हो, ठीक है। और पर्सनल एड अकाउंट में हमारे पास पेमेंट ऑप्शन है, डेबिट, क्रेडिट, पेटीएम वगैरह सब ऑप्शन है हमारे पास। देन हमने बनाया अपना बिजनेस मैनेजर और बिजनेस मैनेजर के अंदर हमने अपना फेसबुक पेज बनाया और देन हमने अगेन उसके अंदर अपना एड अकाउंट बनाया, ठीक है। और जब हमने बिजनेस मैनेजर के अंदर एड अकाउंट बनाया तो वहां पे पेमेंट ऑप्शन था मेरे पास, या तो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड उस एड अकाउंट के अंदर। और जब मैं पूरे बिजनेस मैनेजर का पेमेंट मेथड सेटअप कर रहा था तो मेरे पास ऑप्शन था जस्ट क्रेडिट कार्ड, ठीक है। तो आप देख लो अब आपके पास कौन कौन से पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है, और उस हिसाब से आप अपना एड अकाउंट बना लो। और हाँ यही किया हमने। और हमने कैसे किसी को आप एक्सेस दे सकते हो बिजनेस मैनेजर में, हमने वो देखा, ठीक है जी। सो दैट्स इट। और मेक श्योर कि जो भी हमने आज किया है आप इसको करके देख रहे हो, आप अपना फेसबुक पेज बना रहे हो ना, आप अपना एड अकाउंट बना रहे हो और आप अपना बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना रहे हो, ठीक है। आप पर्सनल एड अकाउंट बना के भी देखो और आप अपना बिजनेस मैनेजर के थ्रू एड अकाउंट बना के भी देखो। और हमने देखा कि आप पेमेंट मेथड भी कैसे ऐड कर सकते हो, तो सिंपल ऐड अकाउंट के जाके बिलिंग में जाके आप पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हो, ठीक है जी। तो ये चीजें हमने देखी,
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेक श्योर कि आप ये सारा काम आज कर रहे हो, आप इस वीडियो को ऐसे ही छोड़ नहीं रहे। ठीक है जी, थैंक यू सो मच।